अगर तुम मुंबई गए ना, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करूंगी। अनी तुम धोखेबाज हो, बेईमान हो तुम। मैं जाने के साथ घर बसाने नहीं जा रहा हूं। मैं निकलता हूं। अनी अनी तुम मुंबई नहीं जाओगे। अर्शी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तुम चलो ना मेरे साथ, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। मतलब तुम मुंबई जाकर ही रहोगे, तुमने डिसाइड कर लिया? अर्शी मैं जाकर ही रहूंगा, चलता हूं मैं। अनी अगर तुम मुंबई गए ना, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करूंगी। तुमने मेरा असली चेहरा देखा नहीं, आई एम टेलिंग यू। अगर देख भी लूंगा तो क्या हो जाएगा? देखना क्या होता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कंप्लेंट करके तुम्हें खुशी मिलती है ना, तो कर दो कंप्लेंट, शायद तुम्हारे आत्मा को शांति मिले। रोका मत मुझे, मेरी साइक का टाइम हो रहा है। तुमने ठान लिया है कि तुम जाके रहोगे? मैंने भी आपको बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आप माने नहीं माने। आपने वही किया जो आपको सही लगा। अरे मैं तो सिर्फ बीमार इंसान को देखने के लिए जा रहा हूँ, साथ में अर्शी से भी कह रहा हूँ चलने के लिए। ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, वापस आ जाएंगे, क्यों रोक रहे हैं आप लोग मुझे? अनी तुम धोखेबाज हो, बेईमान हो तुम, मेरे गुनहगार हो। अरे वादा तो मैंने जाने से भी किया था, क्या जिंदगी में हम हर बातें निभा सकते हैं क्या? अर्शी मैं जाने के साथ घर बसाने नहीं जा रहा हूँ, तुम किस बात से डर रही हो? अनी तुम हमारा रिलेशनशिप, ये घर, ये फैमिली सब बर्बाद कर रहे हो और मैं ये नहीं सहन करूंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपके फेवरेट शो जनक के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में जनक को अचानक से पेट में दर्द महसूस होता है। इस दर्द के चलते आदित्य जनक को तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही जनक अस्पताल पहुंचती है उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जनक के मन में डर बैठा हुआ है कि क्या वो अपने बच्चे को खो देगी। जनक की आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। वो अपनी माँ को याद करती है और सोचती है कि कैसे उनके पिता ने उनकी माँ को अपनाया नहीं था, जिससे उनके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई थी। जनक को ये चिंता है कि कहीं अब उनका बच्चा भी उनसे नाराज ना हो जाए, कहीं बच्चे का नाम भी उन्हें ना मिल पाए। इसी बीच आदित्य अपनी पूरी कोशिश करता है कि जनक को सपोर्ट कर सके और उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाता है। आदित्य का कहना है कि वो जनक से बेहद प्यार करता है और हर हाल में उनका साथ देगा, लेकिन जनक का दिल काफी परेशान होता है। वो आदित्य को साफ साफ बता देती हैं कि उसका प्यार सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे के लिए है और आदित्य से उसकी भावनाएं पूरी तरीके से अलग है। इसी बीच दर्शकों को जनक की भावनाएं और आदित्य के समर्थन को देखना बहुत ही दिलचस्प और इमोशनल होगा। क्या जनक की चिंताओं का समाधान होगा? क्या आदित्य और जनक के रिश्ते में सुधार आएंगे? अगर आप भी ऐसे ही दिलचस्प एपिसोड के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बने रहना होगा हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।